नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज मैं ताना गांव में हूं और ये आप 13235 गन्ना वैरायटी का प्लॉट देख रहे हैं। बहुत ही शानदार प्लॉट खड़ा है और किसान भाई से इसकी सारी की सारी जानकारी लेंगे। और जैसे कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया आपको कि 14201, 15023 और 13235 जो ये तीन वैरायटी संस्थान की तरफ से किसान को मिली थी बुआई के लिए, उसमें 13235 ही मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत अच्छा प्लॉट खड़ा है। और किसान भाइयों ट्रेंच के किसान हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने प्रबंधन करा। 3 साल से ही ट्रेंच की बुआई कर रहे हैं और इस वैरायटी के वजन के बारे में थोड़ा सा किसानों के मन में संशय है। वैसे वैरायटी बहुत अच्छी है, इसके बारे में भी हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि 13235 प्रजाति अब बहुत आसानी से किसान को अवेलेबल हो रही है। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सस्ता बीज मिल जाएगा किसान को, और जो 0238 में रोग के कारण किसान परेशान है उससे भी किसान बच जाएंगे। 13235 बहुत प्रचुर मात्रा में किसानों के पास हर एरिया में खड़ी है अब तो। ये प्लॉट देख के आज मेरी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे आशा जगी है कि किसान के लिए ये अच्छी वैरायटी हो सकती है। और रोग की अगर मैं बात करूँ तो पहले ही मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, रोग इसमें ज़्यादा नहीं है और किसान से इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। तो भाई साहब थोड़ा सा आप यहाँ आ जाओ। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दो, अपना नाम, गांव का नाम। जी, और मेरा नाम गौरव है जी। अच्छा, पिताजी का नाम आजाद सिंह। ठीक, गांव ताना है जी। ताना, ये किसान भाइयों, हाँ, ताना शामली के पास पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप ये ट्रेंच की खेती कब से कर रहे हैं? ये 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। हाँ, तो कितने इंच पे बुआई आपने कर रखी है? ये तो जी करीबन होगी 50-52 इंच पे होगी। 50-52 इंच पे। हाँ जी। ट्रेंच के लेजर जो आता है प्रॉपर लेजर, उसी से ही करी थी। अच्छा, गहरी। हाँ, गहरा कोड जी। हाँ, दो आंख के टुकड़े से बुआई दो की जी। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा मिट्टी चढ़ाई हुई है, और ये जो दूरी है 50-52 इंच की, मिट्टी चढ़ाने के कारण बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे 28 इंच का ही खेत हो। हाँ जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह 36 इंच है बस जी, लेकिन 50-52 बहुत बढ़िया प्रबंधन है आपका। अच्छा, चलो बुआई कर ली। बहुत सारे किसान ट्रेंच पे आना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको आप बताओ। आप 28 इंच कर रहे थे और अभी 30 इस पे आयो ट्रेंच पे, तो कैसा लग रहा आपको? फायदा तो ये है जी, एक तो बंधाई में, एक तो आदमी नहीं मिलता गांव का, मतलब ट्रेंच का गन्ना बंधवाना, मजदूर ये नौकर आ जा। हाँ। कसब या नाडी भी हो, नया भी हो। हाँ। उसे कह दे भाई 5-6 गन्ना लेके बस सीधा लाइन में चलता चला, बस सीधा ऐसे ऐसे एक का कोड बांध है। अच्छा, एक तो सर नहीं बनता गन्ने का। ठीक ठीक ठीक। सर बन जा गन्ना खराब हो जा, तो सबसे फायदा तो है जी ये। हाँ। अच्छा, जो आदमी 20 पूड़ी कर रहा। हाँ। छील रहा, वो 30 पूड़ी बंद है, ये भी फायदा है। हाँ जी, ऊपर 2 आदमी 4 ट्रोली भरण में, एक आदमी बहुत है। पूड़ी ठाणी है, बिल्कुल सीधा गन्ना है जी, ना मोड़ है ना तोड़ है, और खूंटे तक का ट्रोली भर जा थोड़ा सा अंदर कुछ। अच्छा जी, तो चलो ये तो होगी फायदे की बात। हाँ जी। अब सबसे बड़ा किसान क्या देखते हैं 28 इंच 30 इंच में। हाँ जी। और इस ट्रेंच में जो डर है किसान में। हाँ जी। कि कहीं हमारा पैदावार न घट जाए, उसके बारे में बताओ। ना, कि आप 28-30 इंच में अच्छा मान रहे पैदावार, या अब आप 3-3 साल से कर रहे तो इसमें? नहीं नहीं, पैदावार तो नहीं घटेगी, घटती नहीं। नहीं जी। अच्छा, थोड़ा हमें बनू है जी, बुआई करेंगे जमावड़े का ध्यान रखना। हाँ जी, ऐसा ना है पानी खोल दिया और बत्ती रख दिया फिर कंची खराब होगी, फिर तो कम रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। वैसे तो किसान सादे में भी ध्यान रखा है जी, और इसमें भी ध्यान रखा है। जमावड़ा ठीक, इसमें तो ब्यांत काफी है, 35 वैरायटी में तो 35 बहुत ज्यादा है जी। ब्यांत। हाँ जी। अच्छा, सादे में बोल दो इसको तो बिल्कुल फसका खड़ा हो जा गन्ना। बिल्कुल सही कह रहे, इसमें वजन नहीं बढ़ पाए ट्रेंच के लिए। अच्छा, अब की बारी हमने थोड़ा जल्दी में बो दिया, जो पिछले साल था अब का मुड्ढा निकाला हमने, वो 60 इंच पे था जी पूरा। अच्छा, वो पूरे 60 के भी 61 इंच पे था, बहुत बढ़िया पैदावार निकली। अच्छा जी। हाँ जी, ये अपने घर का बीज बोया, ये भी हमने बलगन तोल का बोया। अच्छा, भाई हमारी पैदावार कितनी हो बोर्ड में, वो भी फागण की बुआई का था जी, जो पहला ला कर बोया था हमने मुजफ्फरनगर से। गोड़ू सही जो हमने उसका वजन किया था 97-98 क्विंटल वजन हुआ था एक बीघे में। हाँ जी, अब की बार में। हाँ जी, ट्रेंच में 60 इंच पे जो अब की बार मुड्ढा निकाला वो अकेली ट्रोली में भरा था, गोगर भी हमारा बोंडा है। अच्छा, वहां पर लेके गए थे जी, उसमें 88 क्विंटल गन्ने हुए जी। अच्छा, एक बीघा पूरा खेत ना आपका था जी। बहुत बढ़िया, ये आपने बिल्कुल सच्चाई बताई। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है जी, अलग एक पुली भी नहीं रखी। अच्छा,
भाई इसीलिए हमें पता चलना चाहिए हमारा औसत क्या रहा। नहीं अंधे में कोई फायदा नहीं पढ़ाई करने का। बिल्कुल जी, हर गोला तो सब कुछ एक पुली पे गोला बंद है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी ठीक। अब हमें इस वैरायटी के बारे में बताओ, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ किसान को जो है सही वैरायटी मिले, नुकसान में न जावे। जी, जी जी। तो आपने ये पिछले साल भी लगाई। हाँ जी। और अब के भी आपने काफी बुआई इसकी कर रखी। हाँ है जी। तो कैसा बीज लगा, बीज रेट के बारे में थोड़ा सा ही बताओ। वजन भी बढ़िया है जी। और जमावड़ा भी बहुत अच्छा है। हाँ, सब भी ठीक है, ब्यात भी ठीक है, ब्यात भी बढ़िया है जी। मतलब वेट का ही थोड़ा सा डर लग रहा। नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जी। सही है वेट ना, हमारा आँख फूटने की कोई बीमारी है जी पिछले साल। अब की बार देख लो कहाँ आँख फूट रही है। नहीं नहीं देखो, नॉर्मल एक आधे में तो आ जाए, कोई एक आधे में फूट गई उसकी तो कोई होती नहीं जी। बस जैसा चर्चा चल रही है आँख फूट जा, वजन नहीं रहता, ऐसा कोई बात नहीं है जी। बढ़िया लगा, बढ़िया निकला है जी, और वजन भी बढ़िया है। कम देख रेख में ही हो रहा करना है। बस देखो जी, नॉर्मल सी देख रेख है, तो है नहीं जी, रखा है तो हम नहीं कहते नहीं कर रहे। करने तो कुछ होना ही नहीं। हाँ जी, कर रहे, पर इतनी कर रहे कि उसमें देख रेख ज्यादा कर ला। तो वैसे भी गन्ना भी 90 बीघे 95 बीघे के आसपास है जी हमारे पास। अच्छा अच्छा। और चुमेसे में तो है जी, कोई लेबर भी नहीं रहती, सब घर चले जा, फिर आप कोई देख रेख करनी पड़े। तो गन्ने की हाइट मैं आपको बताऊं, कम से कम अगर गोड़ा काट के गन्ना नापे तो मेरे हिसाब से 10 फुट से 11-12 के आसपास होगी। हाँ जी, 12 फुट के तो आसपास करीबन जा रही। और अभी जो देखो हरी डंडी है, अभी तो बहुत बनेगा गन्ना, वजन बनेगा जी, बहुत बनेगा। हाँ जी, इसमें 1-1.5-2 फुट गन्ना अभी और आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जी 13235 जी। मुझे बहुत दिनों में ऐसा खेत दिखाई दिया। हाँ, इससे थोड़ी सी आशा है जगह के, एक तो यह वैरायटी किसानों को मिल रही है अब सब जगह। हाँ जी। और इसे सब जगह ले भी रहे। बिल्कुल। तो जब तक और बढ़िया कोई बीज नहीं मिल जाता, तो किसान भाइयों आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं। 13235 आपके सामने। आपसे अगर कोई इधर शामली का किसान बीज लेना चाहे। हाँ जी, कोई बात नहीं जी, दे देंगे। आप अपना नंबर बता दो। मेरा नंबर है जी 8826-0528-29। 8826-0528-29। ताना गांव है किसान साथियों। आप अगर इनसे बीज लेना चाहते हैं 13235 का, तो ये जायज रेट पे देना पड़ेगा। हाँ जी, जायज रेट पे। हाँ, बहुत ही जायज रेट। हाँ जी, ये सब जगह मिल रही। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो है सही। नहीं नहीं, हमें ज्यादा चाहिए। हाँ, जायज रेट पे दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, तो आपके पास 14201 भी है। हाँ जी, 14201। चलो उसके दौरे चलेंगे। हालांकि मेरा खेत में था, निकलने को मन नहीं कर रहा जी। बहुत ही प्यारा खेत आपका खड़ा। और किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये 52 इंच की दूरी ट्रेंच में बहुत ही कम नजर आ रही। तो ट्रेंच पे जो किसान जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब आपके सामने उदाहरण है जी। और आपने जो है बिना छोटे ट्रैक्टर के कर दिया सब। बिना छोटे ट्रैक्टर के कर दिया ये सब। मट्टी फावड़ा बरसात होगी जी, ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़वानी थी, ये चढ़ नहीं पाई जी हम। फिर ये हमने लेबर पे चढ़वाई, मतलब घर के आदमी नौकर थे, उन्होंने चढ़ा दिया। नहीं ट्रैक्टर से चढ़वा देते, जुताई तो करवा दी, फिर बरसात होगी जी, फिर जब ट्रैक्टर बढ़ा तो गन्ना टूटा लगा जी। ब्याज ज्यादा है ना, तो गन्ना तोड़ा था, मका भाई नुकसान हो जाएगा। इतनी समय फिर हमने भी फावड़ों से चढ़वा दी। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा 14201 दिखाने से पहले। हाँ, किसान भाइयों अगर आप ट्रेंच पे जाना चाह रहे तो प्रॉपर जो लेजर है ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि गहरा ही खूड निकलना चाहिए। उसमें आप 2 आंख के पेंडे से या 3 के भी कर सकते हो, बहुत हल्की मिट्टी दे दो। और तब तक उसमें आपको मिट्टी नहीं डालनी खूड में जब तक आपका ब्यात पूरा ना हो जा और उसमें एक आध पोरी ना बन जा। सबसे पहली जो कार्रवाई है ये आपको करनी करनी, इसी के बाद ही सारी चीज आवे, उसमें एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन जो गहरा खूड निकालने वाली बात है वो गहरा ही निकलना चाहिए। हाँ जी, गहरा ही निकल रही। तो चलो जी अब 14201 पे चलते हैं। किसान साथियों अब मैं भैया के दूसरे खेत पे पहुंच गया, इनके पास 14201 वैरायटी भी है। और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी हम जरूर लेंगे, क्योंकि ये भी संस्थान की तरफ से जब आई थी बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा गया। हालांकि 10 में से 9 किसान ने इसे फेल करा। इनके पास थोड़ी सी ठीक खड़ी है, फिर भी इसकी हम मका भाई सही जानकारी लेनी जरूरी है हर चीज़ की। तो आपने यह कितनी बुआई करी थी और कितना खेत ये 14201 का आपके पास है जी? ये तो 4 बीघे है जी। 4 बीघे? हाँ जी। अच्छा, इसका क्या रिकॉर्ड बनना जी, आपने क्या लगा, आपको वैरायटी के बारे में बताओ, बढ़िया है कैसी है, बोनी चाहिए या नहीं? यह वैरायटी तो ऐसी है जी, किसी का हो रही है किसी का नहीं रही। हाँ ये तो है।
ये तो है। हाँ बैजू का खेत भी खाली रह गए जी, खेत भी खाली रह गए, गन्ना पतला है, गन्ना भी पतला है जी, पुली बहुत देर में बंदा है। हाँ। जमावड़ा बढ़िया है। हाँ। वैसे बंदाई का कोई खर्चा नहीं, खुला खड़ा। हाँ। खुला ही खड़ा रहेगा जी आखिरी तक का, हाइट तो ज्यादा नहीं लेने का जी, पर मारा तो पहले साल भी ठीक निकल गया जी, ठीक निकल गया। हाँ और अब का मुड्ढा देखेंगे जी, मुड्ढा भी था एक बीघा, बोट ज्यादा निकला, मुड्ढा कुछ कम रहा, अंतर रहा जी। हालांकि पोरी देखो आप इसमें 4 इंच की भी नहीं, 3 इंच हाँ की पोरी है। हाँ। वैसे ठोस अच्छा है, देखो यहाँ बीच में सब कुछ लंबी हो जा, ऊपर से छोटी हो जा, नीचे से छोटी हो जा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये है जी, छुलाई में कुछ टाइम बत्ती लगा, पुली बहुत देर में बंदा है। हाँ जी हाँ। तो ये है, वैसे है बेखर्चे का जी बीज, पर ताल की बात है इसकी, ताल की बात है, ताल बहुत की कम, बहुत ही कम। जिसने हाँ, जो भी मुझे मिला हाँ जी, किसान उसने एक हाँ नहीं भाई हाँ, हमने तो खूब थक लिए इसमें काट करते भी। हाँ जी बन नहीं रही बात, बस टाइम की है जी, यहाँ छोटा रहेगा गन्ना, अंदर देखो कितना बड़ा बड़ा, ठीक ठीक अंदर ठीक हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं कौन सी दड़ी रुक सी जा, बैजा का अंडा पूरा हो जा, देखो बैजा छोटा सा रहेगा और बैजा पूरा जा रहा, तो अभी सही तरीके से पकड़ सी नहीं, पकड़ नहीं कर रहा पैर जी। बीज तो वही हो जी जो सबके खेत में, सबके खेत में हो जा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच्चाई तो है जी। मतलब हम इसकी तारीफ कर रहे लगे, अरे ये किसी का ना खेत में बीज तो वो जी जो सब गए, सब गए हुए 10 में तो 9 नुके। हां भाई ठीक है। हां जी हां ना, जब जब चले बिल्कुल सही, तो बीज तो वही कहा जा, ठीक ठीक सच्चाई है। तो किसान साथियों 14201 भी हालांकि एवरेज ठीक ही रहा, मैं ये नहीं कहूंगा। हां जी, लेकिन जैसा गन्ना किसान को चाहिए जिसे देख के मन खुश हो जाए, मन खुश खुश नहीं होता जी खेत को देख कर। ऐसा लग रहा है जो कर आप बड्डा फूक देख रहे हैं ना, आग सी लग जा, सारी सूखी पड़ी है, सूखी पड़ी रहा है जी पाती, गोला भी थोड़ा ही उतरा है। ठीक 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 ठीक, इब कोई छोला लिया है और उसका तो गोला नहीं होने का, वो अगले दिन कहाँ होगा जी। सही बात है, सही बात है, वो अगले दिन किसी और को, ऐसा लग रहा है जैसे सारे में फंगस लग रही हो। हाँ जी हाँ, ये सिस्टम है जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद।